पेज नंबर 54 का क्वेश्चन नंबर 14 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या दिया, मिस्टर दिनेश ओन्स एन एग्रीकल्चर फार्म एट विलेज। एक खेड़ेगांव में उसका खुद का फार्म है। फार्म कौन सी शेप का उन्होंने दिया, द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड। यानी फार्म की लेंथ कितनी है, ये लेंथ है और ये ब्रेड है। तो लेंथ कितनी बोलती है, ब्रेड से 2 मीटर से ज़्यादा। हम चाहे तो एक्स और वाई ले सकते हैं, अगर आपको पता नहीं रहा तो बता, एक्स और वाई लेना है तो किसको एक्स और वाई ले, जो दैन के बाद आता है ना उसको, जनरली किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। जब हम दो वेरिएबल लेते हैं ना, एक बात बताओ, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है, तो वेरिएबल एक लेना चाहिए, दो नहीं ले सकते, ठीक है ना। लेकिन आपके दिमाग में नहीं रहा और आपने कितने ले लिए, दो, तो फिर दो इक्वेशन बनेंगे ऐसा, तो उस हिसाब से कर लेना है। तो भी देखो, लेंथ ऑफ द फार्म इज वाई, एक्स ले सकते हैं, किसी को भी अब यहाँ की दिक्कत नहीं। एक्स क्या, मीटर ना, मीटर ही देखो उधर, एक्स मीटर, और ब्रेड इट्स ब्रेड कितनी, वाई लीटर, बराबर है। तो ठीक है, अब बताओ बाय द फर्स्ट कंडीशन, उन्होंने कंडीशन भी तो दी है, बताओ क्या दिए, लेंथ ऑफ द फॉर्म, लेंथ यानी कौन, एक्स दिया है ना, कितनी है 10 मीटर मोर यानी प्लस 10, बता देन का मतलब भी क्या होता है, प्लस किससे, ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 × 2, फिर क्या दिया, ब्रेड, ब्रेड यानी वाई, तो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 10 प्लस 2y, ये 10 प्लस 2 12 मत करना, ये मल्टीप्लिकेशन है, 2 * y क्या होता है 2y, ये क्या बन गया अपना इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या दिया, इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर, को हार्वेस्ट करना है उसको, यानी उसको रेन वाटर का कलेक्शन करके उसका यूज करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते उसको, यानी रेन वाटर फालतू वेस्टेज, इसलिए क्या करो, कलेक्ट करो एक ही जगह पे और उसका यूज करो। तो कैसे किया उन्होंने, उसने ही डग ए स्क्वायर शेप पॉन्ड इनसाइड द फार्म, उसने अपने खेती के अंदर क्या किया, स्क्वायर शेप का एक क्या पॉन्ड डग किया, स्क्वायर शेप का, स्क्वायर शेप का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक लेंथ है, सभी साइड क्या होंगी, सेम होंगी, तो इसकी साइड कितनी लेंगे, तो साइड क्या जेड लेके फिर एक्स वाई तो ले लिया इधर, लेंथ एक्स ले ली, ब्रेथ वाई, तो साइड के बारे में कुछ दिया होगा ना, क्या दिया, साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 द ब्रेथ ऑफ द फॉर्म, यानी बताओ साइड ऑफ द फॉर्म क्या दिया, बाय द गिवन कंडीशन, बताओ साइड ऑफ द पॉन्ड, बताओ क्या दिए, पॉन्ड 1/3 क्या, ब्रेथ ऑफ द फॉर्म, ऐसा ही दिया है ना, बोला साइड ऑफ द पॉन्ड को हम कोई लेटर नहीं ले रहे, 1/3 × बताओ ब्रेथ ऑफ द फॉर्म, फॉर्म की ब्रेथ वाई, तो कितना हो गया ये y/3, क्या हो गया ये वाई, 1/3 × ब्रेथ ऑफ द फॉर्म, ब्रेथ तो वाई ना, तो बताओ इसकी साइड कितनी होगी, y/3 मीटर, क्या होगी, y/3, ये y/3 मीटर होगी सबकी, ऐसा तो हमें लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने दिया था कि इसकी साइड कितनी ब्रेथ के थर्ड टाइम से, नहीं 1/3 ऐसा, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया, उन्होंने एरिया ऑफ द फॉर्म इज 20 टाइम्स एरिया ऑफ द पॉन्ड, बताओ क्या दिया है, एरिया ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू कितना है, 20 टाइम्स यानी 20 × एरिया ऑफ द पॉन्ड, ऐसा उन्होंने दिया है ना, फार्म का एरिया कितना है, पॉइंट के एरिया से क्या है, 20 टाइम्स, चलो बताओ फार्म का एरिया, बताओ फार्म का एरिया, फार्म कैसा है, रेक्टेंगल, क्या होगा ये, लेंथ इनटू ब्रेड, 20 टाइम्स, तो एरिया ऑफ पॉइंट बताओ, पॉइंट कैसा है, स्क्वायर है, तो उसका क्या होगा, साइड स्क्वायर, बताओ लेंथ कितनी है, एक्स, ब्रेड कितना है, वाई, 20 टाइम्स, बताओ साइड कितनी है, पॉइंट की साइड, वाई/3, उसका क्या है, स्क्वायर, 20, वाई स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होगा, 9, और ये x/y क्या होता है, एक्स वाई, अब क्या करें सर, ऐसा तो बन गया, ये 9 ज़्यादा ज़्यादा इधर आ सकता है, तो कितना होगा, 9x² और ये 20y², ये 20y² है, 9 इधर आ सकता है ये, लेकिन अभी ना ये क्वाड्रेटिक ही ना पूछे, तो बताओ क्या करें, तो किसी की तो भी वैल्यू पुट करो, देखो x की वैल्यू क्या है, 10 + 2, तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दोगे क्या, 9y एज इट इज, देखो मैंने 9y इधर लिखा एक साइड में, और x की वैल्यू क्या है, 10 + 2y, लेकिन ब्रैकेट में क्यों, क्योंकि वो x की वैल्यू को ये दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई है, x की वैल्यू 10 + 2y, बाकी जैसा है वैसा, कहाँ से गुड की वैल्यू, फ्रॉम 1, और अब बताओ करो बोले कितना होगा,
ये होगा 91, 90 का 91 और वो 9 टू 18 वाई स्क्वायर और उधर कौन है 20 वाई स्क्वायर, सब एक जगह लाओ तो ये बड़ा है ना 20 वाई स्क्वायर, इनको उधर लेके जाओ क्या होगा 20 वाई स्क्वायर प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस, इधर क्या बचेगा 0 20 वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर माइनस 90 वाई इक्वल टू 0, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू टर्म वाला है और टू टर्म वाले बहुत सिंपल रहते हैं क्वाड्रेटिक, उसमें सिर्फ वाई स्क्वायर और वाई कॉमन निकालो काम हो जाता है। अगर आपने y कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 2 y - 90 = 0, या तो फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड टर्म 0, याद आ रहा है कि हां, इसमें 2y = कितना होता है 90 / 90 / 45। अब आप बताओ y की दो वैल्यू 45 और 0, बताओ बताओ y यानी लेंथ है कि ब्रेथ है, ब्रेथ बताओ, और ब्रेथ कांट बी नेगेटिव नहीं है, ब्रेड कांड भी जीरो, ब्रेड जीरो कैसे होगी ये तो है ना, वो ब्रेड तो है ना, ब्रेड कांड भी जीरो तो वाई की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, क्या है वाई की वैल्यू जीरो, तो वाई की मिल गई एक्स की भी मिल जाएगी, बता एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू 10 + 2 वाई, वाई कितना है 45, कितना होगा 90, कितना है 100, कितना हो गया लेंथ 100 और ब्रेड 45, यही पूछा था कि आपको फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फॉर्म एंड ऑफ द पॉइंट भी पूछा है, तो बताओ पॉइंट का क्या होगा, पॉइंट की साइड क्या है, लेंथ ऑफ द फॉर्म, लेंथ ऑफ द फॉर्म एक साइड ना कितना है 100 मीटर, ब्रेथ ऑफ द फॉर्म 45 मीटर और साइड ऑफ द पॉइंट, साइड ऑफ द पॉइंट क्या है y/3, y कितना है 45/3 कितना होगा 15 मीटर, यानी ये पॉइंट कितने मीटर का है 15 मीटर की साइड है, ऐसे पहुंच गए। 11 नंबर में क्या दिया है, मुकुंद पजेजेस रुपीस 50 मोर व्हाट सागर पजेजेस, यानी सागर के पास जितना पैसा उससे कितना पैसा ज्यादा है, मुकुंद के पास 50 रुपए ज्यादा है, तो बताओ सागर के पास कितना, पहले किसको एक्स देना पड़ेगा, दोनों के पास का पैसा पता नहीं, लेकिन इसके पास जितना उससे 50 रुपए दूसरे के पास ज्यादा है, सागर को x, तो मैंने क्या कहा था दान के बाद वाले को x लेना, सागर को x लेना, लेट सागर हैव नहीं हैज रुपीस x, सागर हैज रुपीस x देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन, बताओ मुकुंद के पास कितने होंगे फिर, पचास रुपए मोर ना एक्स प्लस 50, 50 रुपए नहीं 50 रुपए ज्यादा उससे, उसके पास एक्स है जिसके पास एक्स प्लस 50 है, बराबर है yes. हाँ उसके बाद क्या दिया, द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज 15,000 बाय द सेकंड कंडीशन, उनके प्रोडक्ट कितना है बोलते हैं प्रोडक्ट ना, यानी सागर के पास के पैसे एक्स और इसके पास के एक्स, दोनों का क्या करना है प्रोडक्ट कितना बोलते प्रोडक्ट 15,000 तो करो मल्टीप्लाई, ये इसका पैसा उसका पैसा x स्क्वायर प्लस 50 इसको इधर ला लो तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताओ ये 15,000 किसके इसमें आता है, ये 50 है ना 50 की क्या बनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट सोच के कर सकते 150 ना, तो ये कैसे है पता है, करोगे देखो डायरेक्ट भी आता है लेकिन मैं डायरेक्ट अपने देखने से नहीं बताऊंगा, वही अपने टेक्निक से करना पड़ेगा बिल्कुल, ऐसे 15,000 किसका स्क्वायर है 50 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 5/25 हाँ, तो फिर डायरेक्ट 80 का कितना होता है 64, बहुत दूर है आपको 15,000 है तो डायरेक्ट 100 का स्क्वायर 10,000, 10 का स्क्वायर 100 होता है, डबल जीरो लगा दिया बताओ, 120 का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, डबल ही बताए 100 हाँ ये आ रहा है थोड़ा जल्दी आ रहा है, हाँ तो 14,000 वो 15,000 तो 120 है ना 122-123 वगैरह ले सकते हैं है ना 122-113 मत लेना 130 मत लेना, 130 का क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 16 16,000 चला जाएगा, तो थोड़ा बीच वाला लेते 122-123 ऐसा कुछ तो भी ले लेंगे, बताओ ये इसके पास भेजो तो बोलो क्या होता है, मैं माइनस हूँ तो ये प्लस हो जाओ, ये होगा 173, अब बताओ इनका मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना होता है
3 3 9 जीरो है, ऐसा एक ही करके देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। चलो लिखा तो करके देखना पड़ेगा, माइनस है ना तो दोनों कम करो, 122 172 224 ना, 121 171 111 फिर 120 और 170 जीरो जीरो जीरो। इसका करके देखो बोले, अगर ये 15,000 के ज़्यादा गया तो एकदम बहुत सारे कम कर देंगे, फिर ये 12 और 17 ये पता है 17 18 19 हज़ार के भी ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। थोड़ी देर के लिए इसको 100 समझो, थोड़ी देर के लिए 120 100 समझो, ये 17 है, 17 और 10 कितना होगा, 1700 यानी 17,000 तीन जीरो मिला होगी तो ये 17,000 में, और हमें कितना चाहिए 15,000, तो 17,000 से भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि एक्चुअली 100 नहीं है, कितना है 120 है, तो बहुत बड़ा आएगा। तो एक काम करो, झट से कम करो, 10 से हो गए, 10 से कम किया तो कितना हुआ, ये 120 से 10 कम किया तो 110, और ये कम किया तो 160, अभी भी ये 16,000 के भी ऊपर जाएंगे, और 10 कम करो ये होगा 100, और ये कितना होगा 150। बताओ 15,000 आएगा क्या? आ गया। मैं वही बोल रहा था आपको, अगर ये 1,500 है 15,000 है तो 100 और 150 और बराबर 50 की गैप भी आती है, यही डायरेक्ट हम बता सकते थे, थोड़ा सा सोचने को इतना करने की जरूरत नहीं। बताओ मिडिल टर्म कौन है, +50, इसको प्लस और इसको माइनस करोगे फिर, अब आप करो ठीक है, इतना कर लिया, दो दो का ग्रुप बनाया, यहाँ पे -100 आएगा, -100 और ये आएगा +150, फिर दो ब्रैकेट है ना, तो इसमें से आपको एक ब्रैकेट, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू 100 आएगी और इसकी वैल्यू आएगी माइनस, बट अमाउंट कांट बी निगेटिव, पैसा कभी निगेटिव होगा अगर ये नहीं, तो इसकी वैल्यू -150 हो नहीं सकती, इतनी होगी 100, इसका मतलब सागर है x+50 भी कर दो कितना होगा, 100+50 इसका मतलब सागर है x का मतलब ₹100 एंड कौन है ₹150, इसके बाद ₹100 है, इसके बाद ₹150, इसी के साथ ये खत्म हो गया। आप मुझे बताओ AP चैप्टर में टर्म का फॉर्मूला क्या था, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस, और सम का फॉर्मूला क्या था, ठीक है। अब आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 11 एपी चैप्टर में प्रॉब्लम सेट, उसमें दिया है कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है, थर्ड टर्म सी है, इन एंड एपी ठीक है, T1 फर्स्ट टर्म है, T2 बी, T3 कितना है सी, बताओ डिफरेंस कितना हो, डिफरेंस बोलते हैं हम T2 - T1 यानी बी माइनस, और T3 - T2 को भी बोलते हैं यानी सी माइनस, और ये डिफरेंस कैसा रहता है हमेशा सेम, यानी बी माइनस ए बोलो या सी माइनस बी बोलो कैसे रहेंगे सेम अच रहेंगे। आप इसको ज़्यादा ज़्यादा और सॉल्व करके बी इधर आया तो क्या होगा, माइनस बी इधर आया तो प्लस बी, और ए उधर गया तो प्लस ए, तो 2b इक्वल टू क्या होगा ए प्लस, हमने करके रख दिया, पता नहीं जरूरत पड़ेगी भी या नहीं, हमें इतना पता है कि डिफरेंस सेम रहता है, ये डिफरेंस निकाला हमने T2 - T1 से यानी बी माइनस ए, ये डिफरेंस निकाला T3 - T2 यानी सी माइनस बी, और पता रहता है कि दोनों डिफरेंस कैसे आते हैं सेम, तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम है, हमने बी एक जगह लाए ए और सी एक जगह लाए, करके रख दिया, देखेंगे आगे जरूरत पड़ती है कि नहीं ठीक है। अब आपको बोला क्या उन्होंने, उसके बाद शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स यानी ये तीनों ही टर्म का सम होगा, नहीं सॉरी गलत हो गया, सेकंड टर्म इज बी, लास्ट टर्म इज सी, सी थर्ड टर्म नहीं है, सी कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है, तो क्या होगा एन, एन कितना है सी, ये तो गलत हो गया ना, तो डिफरेंस कितना हो गया T2 - T1 यानी बी माइनस ए, बस इतना ही हमें लास्ट टर्म बताए सी। अब बताओ सम ऑफ ऑल टर्म्स यानी एन टर्म्स है, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, तो पहले काम कर देना TN कितना सी दिया है, तो TN का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन बी, बताओ TN एन टर्म ना, और तो एन टर्म तो आपको पता भी है कौन सा है, सी ए, ए यानी फर्स्ट टर्म एच है, बताओ एन माइनस वन डी यानी डिफरेंस कितने का, डिफरेंस बी माइनस, ऐसा है ना, सी माइनस वन फाइव का तो सी, एन टर्म तो सी है ना, ए फर्स्ट टर्म एच है, और डिफरेंस कितना है बी माइनस है,
अब ज्यादा ज्यादा आप इसको सॉल्व कर सकते हो और किया तो, बाकी और कुछ नहीं सॉल्व किया तो क्या होगा बताओ, ये पहले एन ने मल्टीप्लाई हो, ये होगा बी एन, फिर क्या होगा एन ए, फिर वन से किया तो माइनस बी और ये होगा प्लस ए। अब ज्यादा ज्यादा तुम ए और ए का एडिशन कर सकते हो, ए और ए का क्या होगा टू ए, और मैं चाहूँ तो एन ए साथ में लिख दू, बी एन और बी, ऐसा सब कुछ मैं सभी टर्म्स को लिख रहा हूँ, बस ए और ए का एडिशन किया, कितना किया टू ए, और ये बी एन है, ये एन ए और ये बी सब, अब इनमें से किसी की जरूरत पड़ती है नहीं, वो हमें कुछ भी पता नहीं, करके रख दिया। आपको क्या पूछा उन्होंने, सम ऑफ ऑल टर्म्स बताओ, एस एन का फॉर्मूला क्या, n by 2 plus n minus 2, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, शो दैट में बताओ आंसर क्या दिया है, शो दैट दिया ना वो, बोलो क्या है शो दैट, ब्रैकेट a plus c, a plus c, तो ये आना चाहिए बोलते, तो चलो बताओ n, n by 2, इसका मतलब कहीं पे भी n नहीं है यार आंसर में, n नहीं, और अपने इसमें n है तो n का कुछ करना पड़ेगा है ना, n नहीं चाहिए, n by 2 बोलो 2a है ना, n minus 1 d, डिफरेंस कितना है, b minus c, कितना होगा 2a plus वही bn minus an minus b plus a, ये तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a plus a 3a bn minus an minus b, ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये वाला शो दैट छोड़ दो, क्या करें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू पर पूरा खेल है, तो n की वैल्यू क्या है, एक काम करते हैं उस, है ना, ये n माइनस वन डी आता है, n माइनस वन डी इसमें भी आता है, तो यहाँ पे n माइनस, ये पूरा सॉल्व ना करते हुए हमें काम करते हैं, ये tn की वैल्यू c है ना, और ये n माइनस वन बीच रहने देते हैं, और ये जो n माइनस वन डी है इसकी वैल्यू पुट करते हैं c माइनस a, समझेगा, ये प्लस ए का क्या हो गया, तो एन माइनस वन डी की वैल्यू है सी माइनस, और वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एन माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है, सी माइनस ए माइनस, ये समझे क्या बताओ, है ना। अब बताओ इतना तो हो गया, ये टू ए एज इट इज, एन माइनस वन डी यानी सी माइनस ए, और अब बताओ ये टू ए माइनस ए, ए प्लस सी होता है, क्या होता है, ए प्लस सी, तो सर ए प्लस सी, हाँ ए प्लस सी है, लेकिन ए प्लस सी के साथ नीचे टू भी है, वो भी तो है, यानी ये क्या हो गया, ए प्लस सी बाय टू कर सकते हैं क्या, आप बताओ, इनटू एन लिख सकते हैं क्या, अब बताओ शो दैट मैच हो रहा है, लेकिन एक बात मैच नहीं हो रही है, यहाँ पे आंसर में ए प्लस सी बाय टू बराबर है, लेकिन साथ में उधर एन भी है, और एन है ना, और अपने यहाँ पे आंसर में ये है, इसका मतलब n की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, n की वैल्यू इतनी ला सकते हो क्या तुम, n की वैल्यू अगर तुमने n की वैल्यू इतनी ला ली ना, तो बस n की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हो गया शो, n की वैल्यू इतनी कैसे लाएंगे, तो वही एक तरीका है फिर पूरा डिटेल में सॉल्व करने का, ये यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा डिटेल में, वही बताओ ये हो गया पहला, फिर से शुरू कर दे, बताओ tn का फॉर्मूला क्या है, बराबर है, अब tn कितना है c, a plus, बताओ प्लस a का इधर क्या होगा, तो बचा हुआ n minus, समझ गए क्या, अब बताओ ये n minus 1 रहने दो, d ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करो, डिवाइड करो, और बताओ माइनस वन ये तो इधर क्या होगा, प्लस वन, बराबर ही इनकी वैल्यू आ रही क्या, हाँ चलो बताओ, बोलो क्या है एन की वैल्यू, सी माइनस ए बाय डी प्लस वन, यही है ना, चलो बताओ डी की वैल्यू क्या है, डिफरेंस बी माइनस ए, बी माइनस ए, क्या करें अभी इसका, क्रॉस
सी माइनस ए होगा बी माइनस ए इंटू वन बी माइनस ए बी माइनस बताओ ये बी प्लस सी होगा ना और माइनस ए माइनस कितना होगा और ये कौन है बी माइनस किसकी वैल्यू मिलेगी एन की ठीक है। और अब हम शुरू कर रहे हैं एस एन का फॉर्मूला। एस एन के दो फॉर्मूले देखा जाए तो कौन सा एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ठीक है ना। फर्स्ट टर्म एन बाय टू चलेगा ना फर्स्ट टर्म कौन है ए और लास्ट टर्म कौन है अरे लास्ट टर्म है सी ना लास्ट फर्स्ट टर्म है टी वन लास्ट टर्म है क्या बोलते हैं टी एन हाँ बोलो फर्स्ट टर्म टी वन कितना है और लास्ट टर्म कितना है सी तो बताओ एन की वैल्यू क्या है एन की वैल्यू है पुट कर दूं ये बाय टू इधर लेके जाओ क्या ए प्लस सी बाय टू बराबर है बोलो एन की वैल्यू क्या है बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए इन टू क्या है ए प्लस सी बाय टू करें मल्टीप्लीकेशन क्या होगा ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा बी प्लस सी माइनस टू ए इन टू ए प्लस सी और टू इसे मल्टीप्लाई करेगा बी माइनस ए बताओ आया क्या आंसर आ गया ये है अपना ऐसे सम ऑफ ऑल टर्म्स यानी एस एन का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दिया भी था तो फर्स्ट टर्म टी वन लास्ट टर्म टी एन ए प्लस सी यानी ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो आपको ए प्लस सी बाय टू तुरंत मिलता है लेकिन ये नहीं मिलता फिर दिमाग में आता है अरे एन एन नहीं है बाकी ये सब मैच हो रहा है तो क्यों ना हम एन की वैल्यू करें फिर इनकी वैल्यू कहाँ से निकालें तो वो टी एन के फॉर्मूले से टी एन यानी क्या होता है इसकी कोई जरूरत नहीं टी एन का फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस वन डी टी एन सी है एन की वैल्यू निकालना है कैसे निकाली एन की वैल्यू पहले ए को इधर भेजा माइनस ए फिर एन माइनस वन डी है तो डी ने मल्टीप्लाई किया तो क्या कर दिया डिवाइड बच गया एन माइनस वन फिर माइनस वन को भेजा तो क्या होगा प्लस वन मिल गई एन की वैल्यू बस फिर बाद में डी की वैल्यू पुट की डी की वैल्यू क्या है डिफरेंस है ना वो डी माइनस ए है ना प्लस वन है फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है ना ऐसा तो ये मिल गई एन की वैल्यू फिर एस एन का फॉर्मूला एन बाय टू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म तो एन की वैल्यू बाद में पुट की ये टू इसको लगा एन की वैल्यू ये वाली पुट की ओ यस व्हाट्स पुनः सांगा करो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ये प्रॉब्लम नंबर 12 एपी चैप्टर ठीक है। अब बताओ ए फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला बताया मैं एसएन का ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को एसएन बोलते हैं ना फिर वहां पे क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स तो उसको क्या बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन पहले एन टर्म्स को एसएन बोलते हैं ना तो पहले पी टर्म्स को क्या बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म सम के लिए एस लिखते हैं ना सम के लिए एस लिखते हैं ना फर्स्ट एन टर्म्स को एन बोलते हैं ना तो सम अच्छे नहीं है तो एस तो बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा sp upon b by 2 b upon in bracket 2a plus b minus 1d हो गया तो दोनों और क्या दिया है सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स भी बोला है ना ऐसा बोला देखो हमने सम ऑफ फर्स्ट q टर्म तो क्या बोलेंगे उसको s q बोलेंगे बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा q by 2 a plus n minus 1d देखो जब हम फर्स्ट n टर्म्स बोलते हैं n टर्म्स का सम तो sn तो p टर्म्स का सम तो sp q टर्म्स का सम तो sq n की जगह क्या लिखना p और q और भी कुछ है उन्होंने क्या बोले सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स ऐसा बोला ना तो देखो वो जीरो बताना है वो शो दैट है ठीक है ना सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इसको कैसा लिखेंगे बताओ देखो जब n टर्म्स बोलते थे sn लिखते हैं तो p प्लस q टर्म बोला तो क्या आएगा यहाँ पे p प्लस q आएगा ये समझेगा p टर्म्स का बोला तो p लिखते q टर्म्स का तो n का बोला तो ये लिखना पड़ेगा ना और बता फॉर्मूला क्या है और ये ऊपर आता है ना कौन ऊपर आएगा p प्लस q बाय 2 बोलो 2a प्लस n है ना n की जगह n n है जगह तो n है कौन यहाँ पे जीरो ये शो करके बताओ यानी ये वाली वैल्यू कितनी आनी चाहिए बोलते जीरो आनी चाहिए।
अब बताओ हमने उस क्वेश्चन में जो जो दिया था, सम ऑफ पी टर्म, सम ऑफ क्यू टर्म, सबके फॉर्मूले बना के रख दिए, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स का भी बना के रख दिया, और अब आपको पूछा क्या है बताओ, बाय द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, सम ऑफ पी टर्म्स प्लस सम ऑफ क्यू टर्म्स, बोलो क्या दिए, बोलो सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स प्लस सम ऑफ द फर्स्ट बताओ दोनों का टू टू कटेगा ना, ये टू डिवीजन में ना उधर जाएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, यहाँ बचेगा पी प्लस, ये समझिए क्या, और इधर ठीक है ऐसा है। अभी हमें वहां तक पहुंचना है तो सर कैसा करें, एक काम करते हैं सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू ए पी पहले अंदर सॉल्व कर देते ना, अंदर सॉल्व कर देते क्या होगा, टू ए प्लस पी डी माइनस डी पी डी, और ये टू ए प्लस क्यू डी माइनस पी से मल्टीप्लाई किया तो टू ए पी पी स्क्वायर डी पी डी, टू ए क्यू पी स्क्वायर डी क्यू डी, बराबर है। तो बात कैसे पूछो, टू ए आना चाहिए, टू ए है ना, इसके पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डी ब्रैकेट में बाहर है पी प्लस क्यू प्लस पी डी क्यू डी और वन डी, एक काम करते हैं स्क्वायर वालों को नजदीक लिख देते हैं, सबको एक साथ ला देगा, टू ए पी पी स्क्वायर डी पी डी माइनस टू क्यू ए माइनस क्यू स्क्वायर डी प्लस क्यू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। एक काम करते हैं किसको नजदीक लाते हैं पहले, ये पी स्क्वायर डी और क्यू स्क्वायर डी को नजदीक ला लेता हूँ मैं, ठीक है ये दोनों निपट गए, अब नजदीक किसको लाएंगे, ये पी डी और क्यू डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी इनको नजदीक ला दिया, और किसको लाएंगे टू ए पी और टू क्यू ए इक्वल टू कितना हो गया जीरो। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर हम चाहे तो इसमें से डी कॉमन निकाल सकते हैं, यानी दो दो का क्या करेंगे ग्रुप, डी कॉमन निकला तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें भी डी, बताओ डी निकला तो क्या बचेगा, पी प्लस क्यू, हाँ डी निकला तो माइनस पी बचेगा और प्लस क्यू, लेकिन तो गलत हो गया ना, इसमें पहले पी और बाद में क्यू है, तो पी पॉजिटिव क्यू निगेटिव वहाँ पे भी वैसा ही बनाओ, पी पॉजिटिव क्यू तो कैसे बनेगा बताए, आप प्लस डी कॉमन पर निकालो क्या माइनस डी, उससे क्या होगा जब माइनस डी कॉमन निकालोगे ना ये प्लस पी बनेगा और ये माइनस क्यू, यानी निगेटिव टर्म अगर कॉमन निकालते हो तो साइन चेंज करके लिखना पड़ता है, आपने डी नहीं कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकाला माइनस डी, माइनस डी गया तो ये प्लस भी बनेगा और माइनस डी गया तो ये क्या बनेगा माइनस क्यू बनेगा, साइन चेंज होगा, बताओ ऐसे ही यहाँ पे हो सकता है कि कौन कॉमन निकल रहा है, टू ए कॉमन निकल रहा है, बताओ टू ए निकला था क्या बचा पी माइनस क्यू इक्वल टू क्या है जीरो, बताओ अब आ रहा है क्या पी माइनस क्यू हर जगह, पी माइनस क्यू लेकिन यहाँ पे सिर्फ पी माइनस क्यू नहीं है, ये है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी ए बाकी जैसा है आगे सब जैसा, बस इसको सॉल्व किया स्क्वायर बी स्क्वायर एक लिख, बताओ सभी टर्म में पी माइनस क्यू है तो सबको पी माइनस क्यू से क्या कर सकते हैं हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय पी माइनस, बताओ सबको अगर मैंने पी माइनस क्यू से डिवाइड किया तो क्या होगा, हाँ तो ये कटेगा ना और बचेगा डी पी प्लस क्यू, यहाँ पे भी कटेगा तो क्या बचेगा माइनस डी,
और वहाँ पे क्या बचेगा, टू ए इक्वल टू कितना बचेगा, जीरो। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में से हम डी कॉमन, ये टू ए है ना, हाँ बताओ इन दोनों में से डी कॉमन निकल जाएगा। हाँ अब बताओ डी कॉमन निकला तो क्या बचा, डी निकला तो ए प्लस है, और ये डी निकला तो डी निकला तो माइनस वन ना, और डी निकला तो बताओ ये दिख रहा है क्या आपको, हाँ ये वही है कि नहीं बताओ, ये देखो वही है। तो मैं थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ, टू ए पहले करता हूँ, ए प्लस क्यू माइनस वन डी बाद में लिखता हूँ, इससे पहले और इसे बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। अब बताओ अगर ये वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी तो नंबर इसको दे दो वन, ठीक है ना, फ्रॉम वन बताओ सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स तुम्हारे सामने है, पी प्लस क्यू बाई टू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन डी, ऐसा ही है ना, बताओ पी प्लस क्यू बाई टू बताओ ये वाली वैल्यू जीरो है ना, इसकी जगह क्या है, जीरो, जीरो इंटू ब्रैकेट बताओ आ गया ना, पी प्लस क्यू टर्म कितना है, जीरो। ये शो दैट करो, क्या किया था हमने, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है, एस एन में एन आता है, एस पी में पी आएगा, एन की जगह पी आएगा, एस क्यू में क्यू, और सम ऑफ पी प्लस क्यू बोला तो एन की जगह पी प्लस क्यू आएगा, ठीक है, उतना किया कर कर के उन्होंने कंडीशन क्या दी, हमें कंडीशन दी थी कि पी टर्म का सम और क्यू टर्म का सम दोनों क्या है, सेम है, तो ये एस पी का फॉर्मूला और ये एस क्यू का फॉर्मूला, अब दोनों का टू टू कटता है, डिवाइड बाई टू, टू उधर गया तो मल्टीप्लाई करेगा तो कट जाएगा, ये इतना बचा है सर, इसके बाद क्या करें, अब एक काम करो ये d से मल्टीप्लाई करो, पी डी माइनस डी, ये क्यू डी माइनस डी, अब कुछ नहीं सब मल्टीप्लाई करो तो पूरा का पूरा, टू ए बी पी स्क्वायर पी डी टू क्यू ए क्यू स्क्वायर ए क्यू डी, सबको एक जगह लाओ, उधर की तीनों इधर आ गए तो साइन चेंज हो गया, बचा कितना, जीरो। फिर हमने ऐसा सेटिंग किया यहाँ पे कि स्क्वायर स्क्वायर को नहीं दी, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर वालों को नहीं दी, फिर पी डी और क्यू डी को नहीं दी, फिर टू टू ये टू और ये भी टू, ये दोनों टू टू वाले नहीं दी, ऐसे तीन ग्रुप बनाए, फिर इसमें से डी कॉमन निकलता है तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसमें से डी निकलता है तो माइनस पी प्लस क्यू वाले अपने लिए बराबर नहीं था, इसमें भी माइनस डी कॉमन निकलता, ये प्लस पी और माइनस डी हो गया, और इसमें से टू ए कॉमन निकलता है, हर जगह पी माइनस क्यू दिख रहा है लेकिन यहाँ पे पी माइनस क्यू नहीं दिख रहा, वो तो स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला हुआ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस, बाकी जैसा वैसा, और अब बताओ सब में पी माइनस क्यू है तो डिवाइडिंग बाय पी माइनस क्यू से डिवाइड किया तो सब जगह पी माइनस क्यू कट जाएगा, ये इतना बचेगा, ये माइनस डी बचेगा और ये टू ए बचेगा, और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन निकालो, डी, अब इन दोनों में से डी निकला तो क्या बचेगा, पी प्लस क्यू, और डी क्या बचेगा माइनस वन, इन दोनों में से निकाला डी कॉमन, ये जैसा है वैसा, अब बताओ मैच कर रहे हैं उससे, तो बताओ टू ए पर लिखो इसको बाद में लिखो, क्या इसकी वैल्यू, जीरो। अब बताओ फ्रॉम वन पी प्लस क्यू टर्म आपको पता है, और इसमें से ये तो कुछ नहीं पता लेकिन ये पता है इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो, एक दो जीरो, जीरो ने मल्टीप्लाई किया, हाँ इसको लगे तो नंबर टू दिया तो बताओ ये वैल्यू कहाँ से लिखी, मैंने फ्रॉम टू से लिखी, ऐसा उसका मतलब है, पहुँच गया। आपको क्या बोला है, 13 नंबर के क्वेश्चन में m times mth term, mth term बोला है, और n times nth term, तो ये term का problem है, ये sum का problem नहीं है, तो term का problem क्या है, nth term का formula, tn equal to a plus n minus 1d, और mth term का formula क्या होगा फिर, nth term को tn, mth term को tn, a plus n minus 1d, और बताओ उसके बाद और एक टर्म बोला हमने m plus nth टर्म, क्या बोला है, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको t m plus n बताओ a plus m plus n minus 1 d, देखो ना ये m plus nth टर्म है ना, a plus n रहा तो n लिखते, m रहा तो m लिखते, और m plus n रहा तो m plus n लिखो, minus 1 into d, इतना से हो गया। अब आपको क्या है, by the given कंडीशन बोलो क्या दिया है, m टाइम्स nth टर्म और n टाइम्स n, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई होता है, m टाइम्स यानी m इनटू m टाइम्स nth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, ये दिया है उन्होंने, चलो वैल्यू पुट करो, m बताओ tm की वैल्यू क्या है, a प्लस n माइनस 1 d, बताओ n इनटू tm की वैल्यू, चलो मल्टीप्लाई कर दो, पहले काम करो अंदर के अंदर, पहले करो a प्लस d m d माइनस d,
और इधर बताओ अंदर के अंदर मल्टीप्लाई करो a plus nb minus d. अब m से मल्टीप्लाई करो ma plus m square d md. n से na plus n square d md. हो गया. अब आपको बताओ ये इसका आंसर जीरो या ये वाला तो हम जीरो बताओ बोलते हैं. एक काम करो पिछले प्रॉब्लम जैसा सबको इधर लाओ m square d minus a सबको इधर लाओ. प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस और माइनस का क्या होगा प्लस. लाए तीन तीनों का साइन क्या हो गया चेंज. जोड़ी बनाओ बताओ जैसे स्क्वायर स्क्वायर की जोड़ी बनाई थी ना एम स्क्वायर डी और एन स्क्वायर डी एक जोड़ी बन गई. और डी डी की जोड़ी बनाओ डी डी ये माइनस एम डी और प्लस एम डी ये जोड़ी बन गई. हो गए सर चार. अब बचा कौन ये वाला एम ए माइनस एन ए बनाई जोड़ी. अब इसमें से कितने ग्रुप बनाओ तीन. डी कॉमन निकला तो क्या बचा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. अगर d कॉमन निकला तो क्या बचेगा माइनस m माइनस ये ये गलत हो जाएगा ना. अभी m माइनस है तो क्या माइनस कॉमन निकालो. तो ये माइनस निकला तो ये प्लस होगा और ये माइनस. और यहां से a कॉमन निकालो तो क्या बचेगा माइनस. बताओ सभी m माइनस है ना लेकिन ये नहीं है. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a प्लस b a माइनस b बाकी जैसा है वैसा. अब आप बताओ इनमें क्या कॉमन निकालो या फिर डिवाइड करो. m माइनस है डिवाइडिंग बाय m माइनस है ठीक है ना. डिवाइडिंग बाय m माइनस है बराबर. अगर m माइनस n से डिवाइड किया तो क्या बचेगा d m प्लस n. m माइनस n डिवाइड किया तो बचेगा माइनस d. और वो डिवाइड किया तो बचेगा a इक्वल टू 0. इन दोनों में से d कॉमन निकलता है d निकला तो क्या बचा m प्लस n माइनस 1 प्लस कितना बचा a. अब इसकी वैल्यू कितनी है 0. इसको एक और नंबर दे देंगे हम या नंबर दे देंगे 2 और इसको देंगे 1. अब आप बताओ कौन सा टर्म बोले आपको m प्लस nth टर्म. बताओ फ्रॉम 1 m प्लस nth टर्म क्या होता है a प्लस m प्लस n माइनस 1 d. बताओ ये वही है कि नहीं. हाँ. तो क्या इसकी वैल्यू अरे वही है ना देखो ना वही है. हाँ तो कहाँ से लेगा फ्रॉम तो बोले m प्लस nth टर्म 0 है कि नहीं. हाँ. ऐसा पिछले प्रॉब्लम ये सही ना. हाँ. कर बॉस तो बताओ एक बार आदत होगी बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने की.